का एंड्रॉइड 14 आ चुका होगा, उसको जरूर टेस्ट करिए, आपकी हर चीज इस फोन की इंप्रूवमेंट होगी। और M14 का तो पूरा लुक ही बदल गया है यार, लग ही नहीं रहा कि पुराना वाला M14 है। एक ही मुश्किल से 1-2 महीने पहले मैंने खरीदा था और 2 महीने बाद ये दोबारा से नया हो गया है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे नीचे हम आ जाते हैं अबाउट फोन पर, और यहाँ पर हमें मिल जाता है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर UI 6.0 का वर्जन आ चुका है और एंड्रॉयड वर्जन 14 आ चुका है, ये आपको कन्फर्म हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं बदलाव की। तो सबसे स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए नोटिफिकेशन का जो पैनल है ये इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। सबसे ऊपर देखिए वाईफाई का एक सिंबल अलग हो गया है। इस नोटिफिकेशन पैनल को देख के ना एक वो iOS डिवाइस का फील आता है, जैसे कि आईफोन का फील आता है। तो एक प्रीमियम फीचर कह सकते हैं कि सैमसंग ने इसमें डाला है। उसके ऊपर यहाँ देखिए ब्लूटूथ का फंक्शन आ जाता है एक छोटे से कॉलम में, और उसके नीचे एक ये बड़ा सा डिब्बा बना हुआ है, और इसके अंदर आपके सारे जो भी डेली यूज के छोटे छोटे फंक्शन है वो सारे यहाँ पर शॉर्टकट में दिए हुए हैं, लाइक साउंड, कॉल, ऑटो, फ्लाइट, एवरीथिंग। उसके नीचे मिल जाता है यहाँ पर देखिए एक नए तरीके का आपको मिल जाता है ब्राइटनेस कंट्रोलर, इससे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे आपकी आंखों से जुड़ा हुआ देखिए लिखा हुआ है आई कंफर्ट शील्ड, इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर ये ऑन हो जाएगा यहीं से, बट अभी मुझे नहीं करना है। और जस्ट इसके राइट साइड में मिल जाता है एक डार्क मोड, तो यहां से आप अपने फोन को डार्क मोड में भी इनेबल कर सकते हैं डायरेक्ट। और इसके नीचे पहले यहाँ पर कुछ और आता था, लेकिन अभी आ गया है डिवाइस कंट्रोल, तो आप इस पर क्लिक करके अपने डिवाइस को स्मार्ट थिंग के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी अदर डिवाइस को, बट ये अभी हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन यहाँ पर चेंज हुआ है जैसे कि डेट और टाइम, यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाता है, लेकिन जो राइट कॉर्नर है यहाँ पर एक आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट आप यहाँ से सेटिंग में भी जा सकते हैं। और उसके बाद पावर ऑफ ऑन का भी बटन यहाँ पर मिल जाता है, और उसके जस्ट बगल में एक मिल जाता है पेंसिल का आइकन, इस पर क्लिक करने के बाद आप नोटिफिकेशन पैनल को पूरा एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है टॉप, उसके बाद है फुल, टॉप में आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, यहाँ से किसी को भी क्लिक करके और यहाँ से ऐसे सर्कल कर सकते हैं जैसा आप चाहें, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। माइनस जो यहाँ पर दिख रहा है इन पर क्लिक करके इनको यहाँ से हटा सकते हैं। ये हो गया टॉप का एडिट। उसके बाद हम देखते हैं फुल एडिट में। फुल एडिट में यहाँ के जो मैंने आपको बताया कि छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शन मिल जाता है क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस पर क्लिक करके आप इसकी सेटिंग का एक्सेस पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करता हूं मैं, यहाँ से हमें क्विक सेटिंग का एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है ब्राइटनेस कंट्रोल का, जो कि सो ऑलवेज मतलब आपको नोटिफिकेशन पैनल में वो दिखता रहेगा। और नोटिफिकेशन के नीचे जब आप कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, जैसे कि अपने फोन में कोई भी म्यूजिक आपने बजाया हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा एनिमेशन। और ये जो एनिमेशन है अभी इसका जो लुक है वो देखने में बिल्कुल अलग ही लग रहा है, फ्लोटिंग सा एनिमेशन दिया हुआ है। जब भी आपके फोन में म्यूजिक बज रहा है तो यहाँ पे लहरों की तरह ये ऊपर नीचे होता रहता है, सो देखने में एक थोड़ा सा एक इसके अंदर फील आता है अच्छा वाला। और उसके बाद इस फोन के अंदर जो बहुत सारे बटन होते हैं इनेबल डिसेबल करने के लिए, जैसे कोई सेटिंग आप इनेबल करते हैं या फिर डिसेबल करते हैं, तो ये जो बटन दिख रहे हैं इनका एक जो लुक है वो अलग ही फील दे रहा है, बिल्कुल बदल चुका है आप देख सकते हैं। और उसके बाद डिस्प्ले की हम बात करें, उसके ऊपर आ जाएं, तो डिस्प्ले में एक चीज जो मैंने नोटिस किया है चेंज हुआ वो है वेदर इन्फॉर्मेशन। जब आप वेदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर मतलब हर चीज ऊपर ही दिख जाती है, जैसे कि अभी टेम्परेचर क्या है, डे वगैरह क्या है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एक UI यहाँ पर मिल जाएगा। तो वेदर का जो एक फंक्शन दिया हुआ था होम स्क्रीन पर, उसमें भी अच्छा बदलाव किया गया है, उसमें एक थोड़ा सा एनिमेशन डाला गया है। उसके बाद इस फोन के जो फाइल्स ऐप होता है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। आप देखिए इसको जब हम ओपन करते हैं तो माई फाइल्स मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत सारा गैप हमें मिल जाता है जहाँ पर हमें इसको देखने में एक आसानी सी होती है। और नीचे हमें मिल जाता है इंटरनल स्टोरेज और मैनेज स्टोरेज और रिसाइकल बिन। पहले एक फंक्शन होता था एनालिसिस स्टोरेज का, उसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। अगर आपके फोन में नहीं हटा तो फोन को अपडेट करेंगे तो हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूं, जो यहाँ की रिसाइकल बिन है ये आपको ना पूरे फोन का कंट्रोल करेगी। जैसे आप गैलरी से कोई फोटो डिलीट करते हैं और उसको आप रिसाइकल बिन में छोड़ देते हैं, वहां से नहीं डिलीट करते हैं, तो आप यहां से आके डायरेक्ट कर सकते हैं डिलीट।
तो मतलब ये फाइल्स का जो रिसाइकल बिन है पूरे फोन को कंट्रोल करेगा आपके। और नया अपडेट आने के बाद इस फोन के जो इमोजी थे कीबोर्ड के वो पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। देख सकते हैं कि कितने सारे नए इमोजी डाले गए हैं और इनको प्रॉपर चेंज कर दिया गया है, पूरा लुक ही इनका चेंज हो चुका है। और अब हम कैमरे की बात करते हैं, कैमरे का भी पूरा लुक चेंज कर दिया गया है, लुक या कैमरा ही नया डाल दिया गया है समझो। सबसे ऊपर देखो लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर टाइमर मिल जाता है और यहाँ से आप रेशियो चूज कर सकते हैं कि आपके फोटो का रेशियो या वीडियो का रेशियो क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मेगापिक्सल मिल जाता है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो फोटो होगा या वीडियो होगी वो 50 मेगापिक्सल से होगी या फिर 12 मेगापिक्सल से। इस पर आप क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और जब आप 12 मेगापिक्सल पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 50 मेगापिक्सल पर रखेंगे तो कोई फिल्टर नहीं काम करेगा। 12 मेगापिक्सल पर यहाँ पे आपको मल्टी टाइप के फिल्टर मिल जाते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं करके। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक फन मोड डाल दिया गया है इस फोन के अंदर, जो कि आप अभी तक स्नैपचैट में यूज करते थे अपने फोटो को एक अलग लुक देने के लिए, तो यहाँ पर ये मोड आ गया है। अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो इफेक्ट ऑलरेडी उस चेहरे पर लग जाएगा। तो जैसे स्नैपचैट का यूज आप जाकर करते थे ऐप में, अब यहाँ पर इस फोन के अंदर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पोर्ट्रेट मोड आ गया है, पोर्ट्रेट में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप ये देखिए इसका जो इफेक्ट की स्ट्रेंथ है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट ऊपर से ही क्लिक करके, पहले ये फंक्शन इसमें नहीं दिया गया था। उसके बाद वीडियो वाले सेंशन में आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर रेशियो चूज कर सकते हैं और ऊपर यहाँ पर मिल जाता है आपको साइज और FPS सेलेक्ट करने के लिए। साइज में आपको दो मिल जाते हैं फुल HD और HD, और FPS में आपको सिंगल मिलता है ओनली 30 FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। कोई वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो उस टाइम किस फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड हो रही है इसका मतलब होता है। और उसके बाद इसका जूम इन जूम आउट वैसे ही कोई फर्क नहीं है, 1:10 तक है। और उसके बाद जो कैमरे का अगला फंक्शन है मोर, मोर में आने के बाद यहाँ पर दो फंक्शन नए ऐड किए गए हैं जो पहले इसमें नहीं दिए गए थे। पहला है स्लो मोशन, दूसरा है हाइपरलेस। इस फोन का जो स्लो मोशन इसके अंदर डाला गया है एक अलग लेवल का ही कैमरा है, आप इसको यूज करना स्लो मोशन को अपडेट करने के बाद, तब देखना कितना अच्छा स्लो मोशन ये कवर करता है। अगला चेंजेस देख लेते हैं इस फोन के सेटिंग के अंदर। तो जब आप इसकी सेटिंग खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाते थे, चाहे सबसे ऊपर आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलता था, लेकिन प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसको हटा दिया गया है और यहाँ पर ऑलरेडी आपका ओनली आपका नाम ही दिखेगा। और यहाँ पर कलर में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है, कलर को भी बहुत अच्छा किया गया है, तैयार किया गया है। सो एक अच्छा फीलिंग यहाँ पर मिल रहा है कलर को देखते हुए आंखों को। और उसके बाद जब आप हॉटस्पॉट सेटिंग में आते हैं तो हॉटस्पॉट में एक चेंजेज आपको मिलेगा। यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड का भी फंक्शन दे दिया गया, मतलब किसी को आप चाहते हैं कि एक बार ही पासवर्ड देना उसके बाद पासवर्ड अपने आप बदल जाए तो ये फंक्शन भी दे दिया है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पर देखिए वन टाइम पासवर्ड आ गया है, जितनी बार आप इसको ऑफ करेंगे वन टाइम पासवर्ड अलग अलग आता रहेगा। सो इस तरीके से आप वन टाइम पासवर्ड को देख सकते हैं। अगला इस फोन के अंदर जो फ्लाइट मोड का फंक्शन था उसको और ज्यादा स्मार्ट बना दिया गया है। जब भी आप उसको ऑन करेंगे तो जैसे ही फ्लाइट मोड ऑन करेंगे उसके बाद इसका जो ब्लूटूथ होगा वो चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ही फ्लाइट मोड ऑन करते हैं ब्लूटूथ बंद हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जब आप अगली सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्ले का पैनल दिया हुआ है इसके जस्ट नीचे आपको बैटरी का फंक्शन मिल जाता है और इस बैटरी के फंक्शन को पूरी तरह से बदल दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको पूरा मिल जाएगा, जैसे पावर सेविंग मिल जाएगा और टुडे का ये जो ग्राफ है ये तो पूरा ग्राफ का ग्राफ ही चेंज कर दिया गया, पहले ग्राफ एक अलग तरीके का होता था अभी इसमें अलग तरीके का है। तो पूरा आपको ये लुक चेंज हुआ दिख जाएगा कि जैसे ही आप इसको खोलेंगे पूरा बदलाव दिख जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बैटरी के 3-4 कॉलम छोड़ के नीचे आ जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्कैन करके आपको बता देगा, क्योंकि इसमें ये इंप्रूवमेंट हुआ कि इसके इस फोन के जितने भी सिक्योरिटी अपडेट हैं, सिक्योरिटी पैनल है कहीं के भी, वो सारे लाके यहीं पर इन्होंने रख दिए, यहीं से आप पूरे फोन की सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मुझे रिकमेंड कर रहा है, वन सजेशन दे रहा है, जैसे लॉक स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट है, अकाउंट सिक्योरिटी को ये कह रहा है कि आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। और उसके बाद यहाँ पर ऐप सिक्योरिटी है मेरे पास यहाँ पर मिल जाती है, लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन भी इनेबल है, अपडेट्स भी इनेबल है, बायोमेट्रिक में जाए तो बायोमेट्रिक भी यहाँ पर देखिए इनेबल है। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन मिल जाता है वो है ऑटो ब्लॉकर। चलिए ऑटो ब्लॉकर को हम अगर ऑन करें तो देखते हैं इसके अंदर क्या हमें फायदा होता है। ऑटो ब्लॉकर यूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं आपको लगता है कि आपका फोन कोई और कहीं से एक्सेस कर रहा है, ऐसा आपको 1% भी डाउट होता है तो ऑटो ब्लॉकर को इनेबल कर लीजिए।
कोई दूसरा आपके फोन को टच भी नहीं कर सकता है, इतनी ज्यादा ये सिक्योरिटी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जैसे ही आप ऑटो ब्लॉकर ऑन करते हैं, आप इस फोन से यूएसबी के जरिए किसी दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, या फिर अपने फोन में आप एपीके मोड के जो फाइल होते हैं, जो प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल होते हैं, उनको आप क्रोम से जाकर डाउनलोड करते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहें तो जब भी आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑटो ब्लॉकर बंद कर दीजिए, उसके बाद आप उसको ऑन कर दीजिए। और उसके बाद नीचे आपको मिल जाती है मोर सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिक्योरिटी सेटिंग मिल जाती हैं। सिक्योर फोल्डर, इंचेक डेटा प्रोटेक्शन, सिम कार्ड सिक्योरिटी, इंक्रिप्टेड एसडी कार्ड, इंस्टॉल अननोन एप्स, मेक पासवर्ड विजिबल, डिवाइस एडमिन एप्स, व्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, यूजर सर्टिफिकेट, इंस्टॉल फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज, एवरीथिंग, मतलब सारे सर्टिफिकेट या सारी सिक्योरिटी यहीं पर आपको मिल जाती है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं आपको। और उसके नीचे प्राइवेसी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर वो मिल जाते हैं कि जो ऐप हैं वो कौन कौन सी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं। जैसे अभी कैमरा की परमिशन यहाँ पर कितने ऐप ने लिया है वो आप देख सकते हैं, माइक्रोफोन की परमिशन जितने ऐप ने लिया है वो देख सकते हैं, ऐसे करके सारे आप इस निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो अभी हम ये नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, आप अपने फ़ोन में ये चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आपको परमिशन मैनेजर मिल जाता है, एडिशनल प्राइवेसी कंट्रोल मिल जाता है, मोर प्राइवेसी सेटिंग मिल जाती है, प्राइवेट शेयर मिल जाता है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करने के बाद हम आ गए हैं गैलरी में, और गैलरी में आने के बाद मैंने ये फोटो अपनी ओपन कर ली है। इस फोटो को अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने फंक्शन है, जैसे ही यहाँ पर देखिए कि एक फंक्शन आ जाता है एडिट, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से, और इसके एडिटिंग में भी कई फंक्शन डाले गए हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार लाइटन को मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको अपन घुमा सकता हूँ इसको गोल गोल करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी डाला गया फंक्शन, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल, ओरिजेंटल की भी डाला गया है कि आप इसको कर सकते हो ऐसे ऐसे। उसके बाद अगला भी यहाँ पर डाला गया फंक्शन वर्टिकल का, वर्टिकल भी आप यह देखिए यहाँ से कर सकते हो। ये तीन फंक्शन एकदम नए डाले गए हैं जो कि स्टार्टिंग के, और स्टार्टिंग में इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेसो स्पॉट कलर कलर मिक्स मिल जाएगा, ये भी नया डाला गया है, तो इसका यूज करके देखना शायद आपको अच्छा लगे, मैंने तो अभी तक नहीं यूज किया है। और बाकी सारे यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिल्टर डाले गए हैं, अगर मैं डालना चाहूँ तो जैसे देखिए ये फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये फिल्टर है, ये बहुत सारे फिल्टर हैं, आप इनको आराम से चेक करना। और उसके बाद सारी एडिटिंग वैसी की वैसी है, और आप इसको एडिट करके देख सकते हैं अपने फ़ोन का कोई भी एक फोटो। चलो इसको छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पर वापिस आ जाते हैं, इसको कुछ नहीं सेव नहीं करते हैं, मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। और उसके बाद गैलरी के अंदर किसी फोटो में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है तो जैसे देखो नीचे यहाँ पर एक आई का बटन दे दिया, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल जाती है इस फोन की, कब खींचा गया, कहाँ पर खींचा गया, एवरीथिंग, सारी चीज़ें। जैसे बैकग्राउंड इफेक्ट में हम जाएं तो यहाँ पर देखिए हम इसको एडिट भी कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर हम सेलेक्ट कर